सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं मोटापे के बारे में बात करने वाली हूँ और बहुत ही ईजिली और बहुत ही ईजी तरीके से आप अपना मोटापा कम कर सकते हो। और आज मैं बहुत ही अच्छा नुस्खा लेकर आई हूँ आपके लिए, और वो भी आप पानी पीकर अपने वजन को कम कर सकते हो। विश्वास नहीं हो रहा ना? आपने YouTube पे कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर हम करें क्या। तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में आपको कंफर्म फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप एक कुछ इस तरीके का इंच टेप ले सकते हो, जो कि टेलर इस्तेमाल करते हैं कपड़े को मापने में। और इसे आप अपने पेट के अराउंड घुमाकर माप लो, एंड उसके बाद आप मेरी रेमेडी ट्राई करो। एक हफ्ते के लिए ट्राई करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका पेट कमा या नहीं कमा। और तो और, मेरे इस रेमेडी को प्रेगनेंसी के बाद भी जो लेडीज अपना वेट कम करना चाहती हैं, अपने पेट को अंदर करना चाहती हैं, वो भी कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सुबह उठते के साथ ही आपको 2 ग्लास पानी पीना है। जी हाँ, गर्म पानी आपको पीना है, और बिल्कुल एक बार में नहीं, उसे जिप जिप करके पीना है। और पानी इतनी गर्म होनी चाहिए जितनी की चाय गर्म होती है। और कोशिश करें उसमें नींबू मिला लें, नींबू या हनी आप मिला सकते हो उस पानी में। एंड अगर जो प्रेगनेंसी के बाद इस्तेमाल कर रही हैं, वो अगर नींबू का इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो वो अजवाइन का पानी खौलाकर पी सकती हैं, उसे भी ठंडा नहीं करना है। और बीच बीच में अगर आप जो चिल्ड वाटर पीते हो या फिर ठंडा पानी पीते हो, उसे बिल्कुल भी आपको छोड़ना है। और आपको उस वक्त भी बिल्कुल आपको नॉर्मल वाटर आप पी सकते हो एक बार, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि आप जितनी बार भी पियो गर्म पानी ही पियो। गर्म पानी पीने से आपका खाना भी बहुत अच्छे से पच जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर आप अपने वजन कम करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो उसे अपने बॉडी को सबसे पहले हमें एक्सफोलिएट करना होता है, जो कि पानी बहुत अच्छे से करता है। और वजन कम करने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र ये, अगर आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी चाहिए। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर सर पकड़ के बैठे हुए हो तो वो उन्हीं लोगों को स्ट्रेस है, जी नहीं। अगर आप 24 आवर्स किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। तो प्लीज़, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते हो, वो पिम्पल्स हो या आपके बालों का प्रॉब्लम हो या कुछ भी, तो प्लीज़ स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कोशिश करें। खाना या नाश्ता करने के लिए भी बैठ रहे हो, तो कोशिश करें खाना खाने से 1 घंटे पहले आप 1 ग्लास पानी पी लें। इससे ये होगा कि आपके पेट में 0 कैलोरी में ही आपका पेट भी भर जाएगा, और आपको पानी से एनर्जी भी मिल जाएगी, और आपको कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ खाना भी नहीं पड़ेगा, खासकर उन लोगों को जिसे थोड़ी थोड़ी देर पर भूख लगती रहती है। और खाना खाने के बाद कोशिश करें कि आप 1/2 घंटे के बाद ही पानी पिए। एंड सेकेंड, मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि आज इस रेमेडी को अगर आप ट्राई कर लिया ना, तो बाय गॉड कि आप वाकई, आपको तला भुना खाने में तो बड़ा अच्छा लगता है और लोग बड़े चाव से खा भी लेते हैं, पर तला भुना खाने से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। आपको बस पिंपल्स की प्रॉब्लम मिलने वाली है, मोटापा मिलने वाला है, और भी कुछ भी नहीं। तो इसलिए तले भुने खाने से बिल्कुल दूर रहें। कोशिश करें मीठा ना खाएं। मीठा खाओगे तो आपका वजन कैसे कम होगा? बिल्कुल भी कम नहीं होगा, क्योंकि वो मीठा से हमें बहुत ज़्यादा कैलोरी मिल जाएगी और बिल्कुल भी वो बर्न नहीं हो पाती है। तो इस वजह से आप बिल्कुल भी तला भुना के साथ साथ मीठा भी ना खाएं। और आप बस 1 हफ्ते के लिए ये ट्राई करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और दिन भर में आप जितनी बार भी पानी पीते हो, कोशिश करो गर्म पानी ही पियो, चाय जितनी गर्म होनी चाहिए वो पानी, और बिल्कुल सिप सिप करके ही आपको पीना है। और कोशिश करो थोड़ी एक्सरसाइज कर लेने की, योगा कर लेने की, या फिर आप कहीं घूमने चले जाओ या टहलने चले जाओ। टहलने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते आप जा रहे हो, नहीं, आपको थोड़ी तेज़ी से चलनी है। तो इस तरीके से आप टहलने के लिए भी बाहर निकल सकते हो सुबह या शाम के समय, और आप वाकई आप देखोगे कि आपका वजन में कितना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। और ख़ासकर इस गर्म पानी के नुस्खे से, सिर्फ आपको गर्म पानी ही पीना है, एंड आपको तला भुना नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, एंड आपको सुबह उठते के साथ बिना ब्रश किए हुए उसके पहले आपको 2 ग्लास पानी पीना है। बस इतना सा ही करना है, एंड 1 हफ्ते के बाद आप बस फिर उसी फीते से आप नाप कर देखो कि आपका कितने इंचेस कम हो गया। आई एम श्योर कि 3 से 4 इंचेस आपको 1 हफ्ते में वाकई कम दिखेंगे। इसमें कोई झंझट नहीं है, कुछ पैसा खर्च नहीं होने वाला, और मैंने आपको बस इस छोटे से वीडियो में समझा दिया कि कितना ईजी है वेट कम करना।
तो बस आप करके देखो और प्लीज कमेंट करना कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी, आपको कैसा लगा वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सो टिल देन बाय।